बात करने वाला तो कोई है नहीं, तो टीवी चला लेती हूँ। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग, तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। आजकल बच्चे भी नहीं हैं, तो बच्चों के नहीं होने से काफ़ी बोरियत हो रही है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना बच्चों के मेरी दिनचर्या कैसी चल रही है। तो अभी तो मेरा सारा काम हो चुका है, लगभग लगभग कपड़े धो गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। तो अब जलाना है मुझे दिया, तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर में। पूजा मैंने कर ली है और अब बारी है नाश्ता बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में मैं लाई हूँ मैगी, अपने लिए मैं आज मैगी बनाने वाली हूँ। बच्चे है नहीं यहाँ पे, तो क्या बनाऊँ, तो सोचा मैगी बना लेती हूँ। बच्चों के बिना तो बहुत ही बुरा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। रातों को नींद तक नहीं आ रही है, तीन चार बजे तक मैं जगी रहती हूँ और सुबह भी फिर ढंग से नींद नहीं आती, जल्दी उठ जाती हूँ और फिर अपना काम चलते रहता है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ मैगी, तब तक आप ले रहे हमारे वीडियो में। मैगी बन गई है, सिंपल सी मैगी बनाई है आज, इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, खाना है करके खा रही हूँ मैं, बस भूख तो लगने रही है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आजकल अकेले नाश्ता करना पड़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, खाना तो है ही, तो चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। बात करने वाला तो कोई है नहीं, तो टीवी चला लेती हूँ और टीवी भी देखते रहूँगी और नाश्ता भी करते रहूँगी। मॉर्निंग से लेकर के ब्रेकफास्ट तक का मेरा सारा काम हो चुका है और बाहर का मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने कपड़े उठा करके स्टैंड में डाल दिए हैं और खाली घर जो है मुझे काट खाने को आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मेरी हालत ऐसी हो रही है, कैसे कटे ये दिन कैसे कटे रातें। तो वाकई में मेरी ऐसी हालत हो रही है, ना दिन कट रहे हैं ना रात कट रहे हैं, तो ना रात को नींद आ रही है ना दिन में नींद आ रही है, और सुबह भी जल्दी नींद खुल जा रही है। तो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मायके। तो मायके में सभी लोग होते हैं, तो वहाँ पर मेरा टाइम पास हो जाता है, तो थोड़ा मन बहल जाता है, इसलिए मैं जा रही हूँ मायके। आजकल बरसात के दिन हैं, तो घर से बाहर जाने से पहले मैं ये टीवी के तार वगैरह सब निकाल के जाती हूँ, टीवी के, फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता है और बादल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आजकल गरजते हैं, और कब बिजली गिर जाती है, कब हमारे ये जो टीवी है फ्रिज है कब ख़राब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों आप लोग भी ध्यान रखें, जब भी ये बरसात के सीज़न में जब भी आप घर से बाहर जाएँ और तार वगैरह निकाल के जाएँ, और जब बिजली बिजली कड़कती है तो तब भी आप तार निकाल के रखें। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। तो अब चलते हैं मायके। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मायके, तो मायके में चल रही है जुताई, तो काफ़ी बिजी हैं यहाँ पर सभी लोग, इसलिए मैं यहीं पर ही आ जाती हूँ, मेरा भी यहाँ पे टाइम पास हो जाता है और काम भी हो जाता है, भाई की हेल्प भी हो जाती है। लंच बनके है तैयार, आज तो लंच में काफ़ी कुछ बनाया है, पनीर भी, रायता भी, और दाल भी, मिक्स वेज भी, और ये चिकन भी बन रहा है, काफ़ी अच्छा बनाया है पप्पी ने, और साथ में ये रोटी भी बन रही है, चावल भी बने हैं, और ये है मेरी वेज थाली। तो चलिए अब हम करते हैं लंच। ये रूम हो चुका है कंप्लीट और अब है इसके सफाई करने की बारी, तो मुझे भी सफाई करनी है, और पप्पी भी लगा है सफाई करने में और कुसुम लगी है बाहर, तो चलिए मैं करती हूँ हेल्प कमरा साफ करने में। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, घर आकर के मैंने चेंज भी कर लिया है हाथ में धो करके, क्योंकि साफ़ सफाई करने में थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी और उमस गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं घर का थोड़ा सा काम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ थोड़ा घर से बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम है। तो चलिए अब हम निकलते हैं बाहर को और अब मिलते हैं आपको हम बाहर ही, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैनाल रोड घूमने के लिए, थोड़ा सब्जी ले आएंगे और
थोड़ा और जो भी हमें सामान लेना है वो ले लेंगे। घूमने में एक प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत लग जा रही है ये, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड पे। मुझे क्या लेना है, खाली घूमने आ रहे हैं ये, खाली घूमने आई हैं और मैं लूंगी, मुझे देखती हूँ मुझे क्या क्या मैं लेती हूँ। घूमना भी जरूरी है यार, घर में बैठे 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 भी दिमाग खराब हो जाता है। ये है कैनाल रोड, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं और फ्रूट्स भी मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अधिकतर शाम को घूमने आते हैं। और भी हमारे जो काम होते हैं वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं इस रोड में भी। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर और ये लेके आई हूँ चौलाई और ये थोड़े से फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं लेके आई क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे लिए एक जने के लिए काफ़ी है। तो मायके से मैं डिनर करके आई हूँ, तो अब मैं आज आपको ले चलती हूँ छत में, क्योंकि छत में हम इस समय घूमते हैं, तो चलिए चलते हैं छत में। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं छत में, ये बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और तंदूरी इधर आओ, और अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने रात के साथी से। आओ, दिन भर हम अकेले रहते हैं और दिन में हम रात को हम साथ में रहते हैं, ये दिन में भी हम साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इनके वहाँ पे चले जाती हूँ, ये मेरे रूम में आ जाते हैं, मैं इनके रूम में चले जाती हूँ और रात को हम साथ ही में रहते हैं, और अभी हम थोड़ा घूमेंगे। तो दोस्तों अब मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज के लिए बस इतना, बाय, गुड नाइट।